ये ओरेलिया बदायूं में टूर्नामेंट चल रहा है, ये लीग मैच का लास्ट मैच है। चंदोसी वर्सेस मकसूदपुरा के बीच, और चंदोसी की ओर से पहला ओवर लेकर आए हैं नईम। 15-15 ओवर का ये मैच, और पहली बॉल लेकर चले नईम। पहली बॉल डॉट बॉल, और बल्लेबाज हैं सोनू। स्ट्राइक पर हैं सोनू और नईम। बहुत ही शानदार बॉलर हैं चंदोसी के, छोटी सी उम्र के बॉलर हैं पर बेहतरीन बॉलर हैं, और काफ़ी अच्छी कटर बॉल, शानदार बॉल यहाँ नईम की, और काफ़ी क्राउड इस ग्राउंड में आता हुआ। अभी मैच स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी इस ग्राउंड के अंदर। ये स्टंपर की बॉल से मैच हो रहा है, और अच्छा शॉट सोनू का गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए। सिर्फ 2 ही रन मिलेंगे और टीम का खाता खुलता हुआ। स्कोर बढ़कर पहुंचा 2 रन। पहला ओवर जारी जिसको अंजाम दे रहे हैं नईम। 15 ओवर का यह मैच है, बेहतरीन मैच चलता हुआ है ओरेलिया में। एक बार फिर से चले, और काफ़ी छोटा बॉल, एम्पायर का इशारा वाइट होगा, यकीनन वाइट होगा, वाइट, और एक स्कोर बढ़कर पहुंचा। स्कोर हुआ है 4 रन। एक बार फिर से चले नहीं, और फिर से काफ़ी अच्छी बॉल, और चूके यहाँ जैद। एक बार फिर नईम जुनैद के लिए, और बेहतरीन शॉट पर एक ही रन मिलेगा। स्कोर बढ़कर पहुंचा 5 रन इसी एक रन की मदद से। और काफ़ी अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल थी, और कैच ड्रॉप कर दिया है आलम ने, काफ़ी ऊंचा कैच था। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर हुआ है 5। इनिंग का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लाए रहबर फ्रॉम संभल। सामने है सोनू, और बेहतरीन शॉट, गेंद जाती हुई कवर एरिया के बाहर 4 रनों के लिए। माफ़ कीजिए, चौका नहीं हुआ है, बॉल रुक गई है। काफ़ी ख़राब आउटफील्ड है इस ग्राउंड की। एक बार फिर चले रहबर, और काफ़ी अच्छी बॉल, बेहतरीन बॉल, समझ नहीं पाए सोनू। एक बार फिर से चले रहे पर, और फिर से स्विंग हुई, काफ़ी बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। स्कोर हुआ है 9 रन। एक बार फिर और काफ़ी बेहतरीन बॉल फिर से, जिसके लिए जाने जाते हैं वो इस बॉल में दिखाया है यकीनन रहबर ने, बेहतरीन बॉल। एक बार फिर से चले रहबर, और उठाकर खेला है, क्या कैच होगा या नहीं देखना होगा। पीछे फील्डर है आलम, और बेहतरीन कैच, बहुत ही शानदार कैच कहेंगे हम आलम का, और रहबर को मिलता हुई पहली सफलता सोनू के रूप में। और सोनू के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करना है अली। रहबर का सामना करेंगे अली। अली रहबर का या रहबर अली का, दोनों एक ही बात है। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अली, और पहला झटका यहां पर टीम को दिया है रहबर ने। सामना करें ले चुके हैं, और चले रहबर अली के लिए, और वाइट बॉल। स्कोर हो चुका है 10 रन अली के लिए। और काफी अच्छी बॉल, फिर से एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। एक बार फिर रहबर अली के लिए, और फिर से अच्छी बॉल, क्या कैच कर पाएंगे देखना होगा। और दूसरा झटका दे दिया है रहबर ने, तगड़े बॉलर ने संभल के मिस्टर रहबर, और दूसरा झटका लगा दिया है यहाँ पर मसूदपुरा की टीम को, दूसरा झटका दे दिया है रहबर ने।
और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए अरबाज़ बल्लेबाज़ी करना है अरबाज़ सामने है रहबर बेहतरीन बल्लेबाज हैं अरबाज़ लंबे लंबे छक्के लगाते हैं देखा है हमने इनको और उससे भी शानदार बॉलर हैं संभल के मिस्टर रहबर एक बार फिर से रहबर चले दो विकेट चटका चुके हैं पहले इस ओवर में और फिर से बेहतरीन बॉल फिर से रहबर की बेहतरीन बॉल और दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ स्कोर हुआ है 12 रन इनिंग का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं रोहित सामने जुनैद पहली बॉल वाइड बॉल स्कोर स्कोर बढ़कर पहुंचा है 13 रन स्कोर बढ़कर पहुंचा 13 रन इन्हीं दो रनों के साथ तीसरा ओवर चल रहा है दो झटके दे दिए हैं ककराला की टीम को एक बार फिर से रोहित अपनी ओवर में और काफी अच्छा बॉल डॉट बॉल एक और डॉट बॉल और फिर से जाने दिया फिर से जुनैद ने इस बॉल को जाने दिया काफ़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिल रही है हमें चंदोसी की बॉलर्स के द्वारा और वहीं ककराला के बैट्समैन काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं पिच पर और फिर से अच्छा बॉल फिर से डॉट बॉल एक बार फिर रोहित जुनैद के और काफ़ी अच्छा बॉल एम्पायर का इशारा वाइड बॉल इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 14 रन एक बार फिर रोहित जुनैद का सामना करेंगे और काफ़ी अच्छा बॉल फिर से डॉट बॉल बेहतरीन बल्ले बॉलिंग करा रहे हैं जुनैद माफ़ कीजिए रोहित और फिर से अच्छी बॉल फिर से डॉट बॉल बैट और बॉल का संपर्क नहीं हो पा रहा है जुनैद से काफ़ी स्विंग देखने को मिल रही है हमें इस पिच पर बैट और बॉल का संपर्क ही नहीं हुआ है अभी तक ठीक तरह से और फुल टॉस बॉल ये गेंद बल्ले पे लगी है इसमें भी सिर्फ एक ही रन मिलेगा स्कोर बढ़कर पहुंचा 15 रन 3 ओवर 15 रन इनिंग का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं रहबर स्कोर है अभी 15 रन और चले रहबर धीरे धीरे कदमों से जुनैद के लिए और फिर से काफ़ी स्विंग पर स्विंग इतनी है कि वाइड हुई स्कोर हुआ है 16 बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है हमें चंदोसी के बॉलर्स के द्वारा एक बार फिर रहबर जुनैद के लिए और फिर से काफ़ी स्विंग थी और फिर से वाइड दे दी है फिर से बॉल वाइड दे दी है एम्पायर ने स्कोर हुआ है 18 रन एक बार फिर रहबर और फिर से अच्छा बॉल डॉट बॉल स्कोर अभी भी 18 रन अभी तक जुनैद से बैट पर गेंद लगी नहीं है स्टंपर की बॉल है इससे ज़्यादा खिलाड़ी खेलते नहीं हैं और फिर से बेहतरीन बॉल रहबर की बॉलर को बेनिफिट्स मिलता है इस बॉल से काफ़ी स्विंग होती है ये बॉल स्टंपर की एक बार फिर रहबर जुनैद सामना करेंगे और फिर से काफ़ी अच्छी बॉल थी एम्पायर का इशारा फिर से वाइड बॉल स्कोर हुआ 19 रन और फिर से डॉट बॉल एक बार फिर रहबर और फिर से काफ़ी स्विंग बेहतरीन बॉल देखने को मिल रही है हमें रहबर के द्वारा और फिर से अच्छी बॉल रहबर की समझ नहीं पा रहे हैं बैट्समैन बॉल कहीं बैट कहीं इतनी स्विंग मौजूद है इस बॉल के अंदर कि बल्लेबाजों का बैट स्विंग ही नहीं हो पा रहा है फिर से डॉट बॉल 19 रन के 5-4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 19 रन दो विकेट के नुकसान इनिंग का पांचवा और अपना पहला ओवर लेकर आए हैं और फिर से काफी स्विंग मौजूद
कोई भी खिलाड़ी अंपायर से डिसीजन देने के लिए नहीं बोले, अंपायर वहाँ पर खड़े हुए वो अपना डिसीजन खुद लेंगे। एक बार फिर और कैच आउट, अरबाज कैच आउट, तीसरा झटका लग गया है और पहली सफलता रोहित को मिलता हुई तीसरी झटका दे दिया है यहाँ पर चंदौसी की टीम ने। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए इकबाल, उनका सामना करेंगे रोहित। बेहतरीन बॉलिंग देखने को मिल रही है हमें चंदौसी के बॉलर्स के द्वारा, रोहित रहबर नईम शानदार सारी बॉलर। एक बार फिर और फिर से बैट कहीं बॉल कहीं, सिर्फ स्विंग ही स्विंग नज़र आ रही है, कोई बल्ले से बैट स्विंग नज़र नहीं आ रहा है बैट्समैन का। बेहतरीन गेंदबाजी हमें कहना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। एक बार फिर से रोहित और फिर से अच्छा बॉल, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, स्कोर बढ़कर पहुँचा 20 रन इनिंग का पाँचवा ओवर, और जिसको अंजाम दे रहे हैं रोहित जी हाँ, लेफ्ट आर्म बॉलर और लेफ्ट हैंड से काफ़ी तगड़े बल्लेबाज हैं रोहित, पर स्टंपर की बॉल से इतना कोई भी नहीं खेलते हैं। और फिर क्या कैच होगा या नहीं देखना पड़ेगा, और कैच, एक ने पकड़ा दूसरे ने छोड़ा, कप्तान ने छोड़ा और कीपर ने पकड़ लिया और लग गया है चौथा झटका यहाँ पर ककराला की टीम को। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए गौरव, सामने उनके रोहित और फिर से बेहतरीन बॉल रोहित की, फिर से डॉट बॉल, लगता है रन बनेंगे ही नहीं, काफ़ी स्विंग हो रही है बॉल। एक बार फिर से चले रोहित, गौरव ने उठाकर मारा है पहली बार, पीछे फील्डर है जुबैर, क्या कैच कर पाएंगे, नहीं, सिर्फ दो ही रन होंगे। काफ़ी ख़राब फील्डिंग करते हुए यहाँ पर जुनैद, पहली बाउंड्री निकलता हुई यहाँ पर ककराला की टीम की ओर से, स्कोर बढ़कर पहुँचा 24 रन। पावर प्ले का ये लास्ट ओवर है, 5 ओवर का यहाँ पावर प्ले, 15 ओवर का ये मैच। एक बार फिर रोहित और फिर से रोहित की बेस्ट बॉल थी है। और 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 24 रन है स्कोर। इनिंग का छठा पाव ओवर लेकर आए चंदन, पावर प्ले ख़त्म हो चुका है, अब 5 फील्डर बाहर लगा सकते हैं आप। और काफ़ी छोटा बॉल, पटका हुआ बॉल था, पैरों में ही पटक ली थी अपने चंदन ने बॉल, पर बल्लेबाज से इस पर भी कनेक्ट नहीं हो पाई। मैं आपको बता दूं ये स्टंपर की बॉल है, इसलिए कोई ज़्यादा खेलता नहीं है इस बॉल से, इसलिए आपको रन बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये स्टंपर की बॉल है। एक बार फिर से चले चंदन और छोटा बॉल, फिर से एक रन मिलेगा यहाँ पर, पीछे फील्डर है, ब्रावो, बेहतरीन फील्डिंग ब्रावो की, स्कोर बढ़कर पहुँचा 27 रन। इनिंग का छठा ओवर जिसको अंजाम देना है चंदन। एक बार फिर से चले चंदन और फिर से काफ़ी छोटा बॉल, बेकार बॉल, ख़राब बॉल, और बल्लेबाज को भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी गेंद को मारेंगे। फिर से छोटा बॉल, उसको घुमा दिया है थर्ड मैन की बाउंड्री की तरफ और एक रन ही मिलेगा। छोटा बॉल और उठा के खेला है कैच आउट और बेहतरीन कैच यहाँ पर जुबैर का, और चंदन को मिलता हुई पहली सफलता। काफ़ी संघर्ष कर रहे थे जुनैद और आउट होकर जाते हुए पांचवा झटका लगा ककराले की टीम। और अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं आतिफ, बेहतरीन बल्लेबाज हैं आतिफ, 5 विकेट गिर चुके हैं, पर फिक्र की बात यह है कोई भी इस बॉल से खेलता नहीं है स्टंपर की। मैं आपको बता दूँ जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसको फाइनल में विजेता टीम को एक स्प्लेंडर बाइक प्लस कैश मनी दी जाएगी और हारने वाली टीम को 40,000 रुपये दिए जाएंगे। काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट होने की संभावनाएं, पर जैसी बॉल चल रही है ऐसा लगता नहीं मुझे कि ज़्यादा छक्के लग पाएंगे इस टूर्नामेंट में। और फिर से चंदन की उठा के मारा है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर होगी या नहीं देखना होगा, एम्पायर का इशारा 4 रन, एम्पायर का इशारा 4 रन, दूसरा चौका इस पारी का। फिर से छोटा बॉल, फिर से डॉट बॉल,
इतनी ख़राब बॉल है 30 ओवर में, फिर भी बल्लेबाज कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए एक भी बॉल का। स्कोर हुआ है 33 रन 6 ओवर की समाप्ति पर और बल्लेबाज हैं आतिफ। गेंदबाज इनिंग का 7वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं रोहित नईम। और फिर से शानदार बॉल नईम की, डॉट बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी चंदोसी के बॉलर्स के द्वारा। कैच आउट, बेहतरीन कैच या नईम का फॉलर थ्रू में, और ये लगता हुआ छठा झटका गौरव के रूप में ककराला की टीम। और अब बल्लेबाजी करने आए हैं सलमान, 6 विकेट को का पतन हो चुका है। काफ़ी अच्छी बॉलिंग चंदोसी के बॉलर्स के द्वारा, और फिर से चले नईम और बच गए, ये भी क्लीन बॉल हो जाते वरना। और ये भी हवा में बॉल है, क्या कैच कर पाएंगे फील्डर देखना पड़ेगा। और ये भी बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, जितनी तारीफ का जाए इतनी कम है इस कैच की। और 7वां झटका नईम को मिलने वाली दूसरी सफलता, इनिंग का 8वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, माफ कीजिए तीसरा ओवर लाए रैबर। और बेहतरीन बॉल यहाँ पर रैबर की, बहुत ही स्विंग थी इस बॉल के अंदर, 8वां ओवर है, ऐसा लग रहा है कि गेंद स्विंग ही स्विंग है बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। एक बार फिर से सिर्फ 2 ही बाउंड्री लगी हैं अभी तक, और फिर से एज लेकर गेंद स्लिप के फील्डर नईम के हाथों में। एक बार फिर से चले रैबर और फिर से डॉट, बैट कहीं बॉल कहीं, कुछ अता पता नहीं, कीपर और बॉलर ही अभी तक खेल में नज़र आ रहे हैं सिर्फ। और आतिफ ने उठाकर खेला है चिप शॉट, एक ही रन मिलेगा। और रहबर का सामना करेंगे सैंडी, और बेहतरीन बॉल फिर से वाइट, सिर्फ वाइटों के ही रन बन रहे हैं अभी तक। और बेहतरीन बॉल, बहुत ही बेहतरीन बॉल, एक बार फिर सामना करेंगे सोनते, बहुत ही शानदार गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रैबर के द्वारा। इनिंग का नमा नईम के कंधे पर दी है और अपने कोटे का तीसरा ओवर लाए नईम। कल का जो मैच होगा, छोटा बॉल और उठाकर शॉट खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर से 4 रन, तीसरी बाउंड्री निकलता हुई इस मैच की आतिफ के बल्ले से पहली। सात विकेट के नुकसान पर
कल का जो मैच रमजान पर रोबर्ट क्लब का कराला के बीच ग्रीन बॉल, आठवां झटका ककराला की टीम को। और अब बल्लेबाजी करना है विक्रांत लेफ्टी, विक्रांत लेफ्टी सामने नईम चंदोसी और काफी अच्छी बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। एम्पायर का इशारा नई नो बॉल। सामने करेंगे आप लोग नईम, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए नईम एक बार फिर। और छह रन है पहला छक्का इस मैच का। एक बार फिर आतिफ के लिए और एक बार फिर एम्पायर का इशारा वाइड गेंद, नईम ओवर का खेल जारी। बॉल, क्लीन बॉल कर दिया है नईम ने आतिफ को। आज करना है ललित, लास्ट विकेट है ये, लास्ट विकेट है। नमा नमा ये दस न, ओवर दसवां नमा। वाइट बॉल, स्कोर बढ़कर पहुंचा 55 रन। सीधा शॉट गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और एम्पायर का इशारा 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 59 रन। एक बार फिर से रोहित अपना 3रा ओवर लाए हैं और खेल दिया है लेग साइड की दिशा में और एक एक रन और मिलता हुआ। कैच आउट और ड्रॉप कर दिया। लल्लू सा कैच था, बिल्कुल लड्डू सा कैच था और टीम ऑल आउट हो जाती। कैच ड्रॉप कर दिया है आलम ने। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इसी वक्त बैट के साथ एक बार फिर सामने करेंगे ललित। ललित ने गेंद को खेल दिया, गेंद आ रही है उसका अलग गेंद की तरफ, पिल्लर गेंद के पीछे, और पिल्लर से एक पिल्लर से स्पिन लेते हुए दूसरे पिल्लर ने गेंद को खेल किया। स्कोर बढ़कर पहुंचा 63 रन। मसूद पर अभी टीम का बहुत ही खराब प्रदर्शन, ललित स्कोर बढ़कर पहुंचे 64 रन। दस ओवर में 66 हुए हैं, 11वां ओवर इनिंग अपना लेकर आए, 14 ओवर नईम डॉट बॉल। सम्मान दिया ललित ने गेंद को, नईम अभी तक 4 विकेट ले चुके हैं। नईम अपने बेटे का 14 ओवर और बहुत ही शानदार गेंद, गेंद सीधे बल्लेबाज के पैर में जाकर लगी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेफ्ट ईयर वन पड़ा गेम को खेल रहा है, क्या करते हैं बाकी के सारे गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। अर्शु अपने कोटे का पहले ओवर, अर्शु एक बार फिर अपने बेटे का पहला ओवर, तीन दिन के बाद नौ ओवर सामना करेंगे विक्रांत अर्शु का, और लेग स्टंप के काफी बार अंपायर का सारा वाइड गेंद। एक बार फिर अर्शु सामने करें विक्रांत, बहुत ही अच्छी गेंद, हल्के से गेंद को कट किया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की
चलो जी क्रिकेट करे तो सभी गेंदबाजों ने खासकर नईम ने 4 विकेट लिए, राघवन ने 2 विकेट, रोहित ने 2 विकेट, चंदन 1 विकेट। अब देखते हैं अर्शु क्या करते हैं। अब ललित ने खेल दिया है स्कोर या डेंडे की तरफ, जब तक गेंद को खेल किया जाता है तब तक 1 रन पूरे थे दोनों गेंदबाजों ने, उसी 1 रन के साथ स्कोर 72 रन। 12 ओवर के खेल जारी, एक बार फिर अर्शु, एक बार फिर कंट्रोल, अर्शु मेडिकल के नुकसान पर स्कोर 72 रन, अर्शु एक बार फिर क्लीन बॉल और 73 रन पे पारी समाप्त। और चंदोसी की ओपनिंग आती हुई, अजय मौर्या स्ट्राइक पर हैं और नॉन स्ट्राइक पर हैं नौशाद, बनाने होंगे मात्र 74 रन जीत के लिए। इस बॉल से काफ़ी होते हैं, 74 स्टंपर की बॉल है, कोई ज़्यादा खिलाड़ी खेलता नहीं है इस बॉल से। पहले ओवर की जिम्मेदारी कप्तान साजिद ने अली के गेंदों पर डाली है और ब्रावो अजय मौर्या, कैप्टन भी है चंदोसी की टीम के, ऑनर भी हैं। पहली बॉल पर सिंगल, लेग बाई के रूप में पहली बॉल पर सिंगल दे दिया है अजय मौर्या ने। और अब स्ट्राइक पर आए हैं नौशाद, अगर नौशाद हो तो भाई हाथ खाता खोलता हुआ चंदोसी क्रिकेट क्लब का अजय अली। और नौशाद ने आते ही पहली बॉल पर लंबा छक्का जड़ दिया है, पहली बॉल पर नौशाद ने छक्का जड़ दिया है जिस नाम के लिए जाने जाते हैं, पहली बॉल पर दिखाया नौशाद ने। बिग हिटर है नौशाद अपनी टीम के और संभल के बेस्ट प्लेयरों में इनका नाम आता है नौशाद। पहली बॉल पर छक्का से खाता खोला है, स्कोर बढ़कर पहुंचा 7 रन। एक बार फिर नौशाद और फिर से उठाकर मारना चाहते थे डॉट बॉल, और फिर से खेला है सीधा शॉट, वहां पर फील्डर है जुनैद, अच्छी फील्डिंग जुनैद की, स्कोर बढ़कर पहुंचा 8 रन। अली सामना करेंगे अजय, और क्लीन बॉल्ड हो गए अजय, अजय क्लीन बॉल्ड हो गए, खाता भी नहीं खोल पाया अजय। एक ओवर के बाद चंदोसी का स्कोर 8 रन, 1 विकेट नुकसान पर। और फिर से नौशाद का अच्छा शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा, 6 हैं। दूसरा छक्का नौशाद के बल्ले से निकलता हुआ, दूसरा छक्का, स्कोर बढ़कर पहुंचा 14 रन। इसी तरह से खेलते रहे नौशाद तो पहले ही मैच को ख़त्म कर देंगे। फुल टॉस बॉल थी, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, बहुत नाराज़ हैं अपने आप से। और फिर से अच्छी बॉल थी, यॉर्कर बॉल, और फिर से सीधा शॉट है, क्या कैच हो पाएंगे देखना होगा। एम्पायर का इशारा 4 रन, एम्पायर का इशारा 4 रन, स्कोर बढ़ के पहुंचा ये 19 रन। और फिर से नौशाद ने उठाकर खेला है, फिर से अच्छा शॉट था नौशाद का, स्कोर हुआ है 20 रन,
स्कोर बढ़कर पहुंचा 20 रन। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं लगता है बहुत आसानी से मैच जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। नौशाद और नईम और हैंड बदल कर मार रहा था रिवर्स स्वीप, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। दो ओवर की समाप्ति 20 रन। इनिंग का तीसरा अपने कोटे का दूसरा ओवर लाएं अली। सामना करेंगे नौशाद, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं नौशाद, बहुत ही शानदार गेंद अली द्वारा लगा चुके हैं नौशाद अभी तक। और कैच आउट, कैच आउट नौशाद के रूप में बहुत बड़ा झटका लगाया चंदोसी को 20 रन के स्कोर पर। जोरदार हिट लगाना चाहते थे एक बार से सामना करेंगे आलम अंपायर का सारा वाइट गेंद एक बार फिर अली फिर भी तो तोड़े आलम बार बार भी तोड़ रहे हैं इस ओवर में आलम अली एक बार फिर भी तो तोड़े आलम। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 23 रन, दो विकेट के नुकसान पर चंदोसी टीम को चेस करने हैं 74 रन। नईम ने खेल दिया है गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाता हुई, और तीन रन ले लिए हैं, स्कोर बढ़कर पहुंचा 26 रन। बेहतरीन शॉट आलम का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा 30 रन, स्कोर बढ़कर पहुंचा 30। चौथे ओवर का खेल पूरी तरह आलम एक बार सामने करेंगे सर, और हल्की सी डिफेंस कर दिया है, ध्यान लेके दिखाएं यार बेटे। चार रन, तुम्हारा तो ख्याल रखना पड़ा है। अभी बाद में ले लियो, इसमें अंदर पतना कहाँ है। एक रन के लिए विक्रांत, एक बार फिर आलम के लिए, अब आलम मारना चाहते थे, जोरदार हिट लगाना चाहते थे, ये पावर प्ले का लास्ट ओवर अली द्वारा, अली अपने कोटे का तीसरा ओवर, अगला शॉट पर गए नहीं, सामना करेंगे अली का, और आलम नईम ने बहुत ही शानदार शॉट नईम के बल्ले से गेंद आ रही है कदर बाउंड्री की तरफ, बल्ले गेंद से पीछे और जब तक गेंद को फील करते तब तक दो रन दौड़ कर पूरे किए दो रन बल्लेबाजी ने। अजय भाई पानी ले लो, अरे हाथ लगाओ लोहर एक और चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं नईम, दूसरी बाउंड्री स्कोर बढ़कर पहुंचा है 46 रन, शानदार बल्लेबाजी करते हैं नईम, मैच के करीब आ गए हैं चंदोसी की टीम।
और फिर से हटा के मारा है नईम ने, पीछे फील्डर हैं और कैच ड्रॉप, सिंपल कैच ड्रॉप कर दिया नईम का। बहुत ही शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन नईम द्वारा, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी नईम द्वारा। 5 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 47 रन चंदौसी क्रिकेट क्लब का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए चंदौसी क्रिकेट क्लब की तरफ से नईम। और आज के ओवर मैन ऑफ द मैच ग्रैंड ओवर का प्रधान मास्टर इलियास, जहाँ भी है कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, आज का मैन ऑफ द मैच बोल देंगे। तुगलक भांजी द्वारा बहुत ही अच्छी अंपायरी, एक बाउंस इस ओवर का भी तक दे चुके हैं लोग। और वहां पर खड़े बल्लेबाज का मुश्किल, वहां पर रन आउट करने का मौका था। एक बार फिर मैंने सामना करेंगे आलम, मानना चाहते थे बीट लिए आलम ललित का, ललित एक बार फिर आलम के लिए, आलम जोन को मानना चाहते थे, अंपायर का सारा नोडर। इस ओवर का ये दूसरा बाउंस, बाउंस के ओवर में ये पहली नहीं वाले इस ओवर की, और इसी के साथ फ्री हिट। देखते हैं आलम कितना फायदा उठा पाते हैं इस फ्री हिट का। आतिफ ने फ्री हिट पर 6 लगाया था, देखते हैं आलम बदला फिर कर पाते हैं या नहीं। ललित एक बार फिर और वहां पर दिए देते हैं फिर हिट बचाया ललित ने अपना डॉट के साथ। स्कोर है चंदौसी क्रिकेट क्लब का 52 रन, 5वें ओवर का खेल जारी। 21 रन की जरूरत चंदौसी क्रिकेट क्लब को ये मैच जीतने के लिए। और आलम ने खेल लिया है स्टेट बोल्डी की तरफ, 2 बोल्डर गेंद के पीछे, और इसी के साथ 1 रन पूरा। इसी 1 रन के साथ स्कोर 73 रन, 6वें ओवर का खेल जारी। चंदौसी क्रिकेट क्लब को ये मैच जीतने के लिए 20 रन की जरूरत, 4 बॉले हो चुकी है इस ओवर के। नईम बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और बाहर दिखा दिया है, 4 लेग फील्डिंग के लिए 4 रन। बहुत ही शानदार सा नईम के बल्ले से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नईम, 4 विकेट भी लिए थे गेंदबाजी करते हुए नईम ने। अरे नईम बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर बोले, एक बार फिर नईम के लिए, एक बार फिर मारना चाहते थे दो तो जहाँ पर पाल के रूम में 1 रन एक्स्ट्रा के रूम में पूरा किया। दूसरा ओवर लेने की तौर पर जब तक कप्तान गेंद को फील करे तब तक 2 रन पूरे, उनके 2 रन के साथ स्कोर हुआ 59 रन, 14 रन की तरफ स्कोर बढ़कर पहुंचा 59 रन। स्कोर हुआ 59 रन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नईम और आलम, आलम अखाना मारना चाहते थे पर टूट हुए एक बार फिर। बहुत ही खराब गेंदबाजी स्टार क्रिकेट क्लब में खूब पूरा द्वारा, और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी चंदौसी क्रिकेट क्लब के दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अंपायर का फैसला अंतिम फैसला, खूब बल्लेबाज डिसीजन के लिए बोले अंपायर को आते थे एक बार फिर आलम के लिए। आलम ने खा दिया है चेहरा, आलम के बल्ले से निकलने वाला ये पहला सिक्स, और चंदौसी क्रिकेट क्लब की तरफ से दूसरा सिक्स। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए आलम और ये बच्चे खेल खाला आगे आगे। अरे फिर से 6 रन, और ये मैच जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए। अब जीत के लिए चंदौसी क्रिकेट क्लब को 2 रन की जरूरत। स्कोर हुआ 70 रन, आलम के बल्ले से बैट टू बैट 2 सिक्स। अंपायर का सारा गॉड गेमर, स्कोर लेवल, स्कोर लेवल हो चुका है, जीत के लिए चाहिए 1 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की नईम ने आज।
एक बार फिर बीट होते हुए सात ओवर की समाप्ति पर इसको एक बार फिर मेन के लिए मैंने हल्के से गेंद को डिफेंस को स्लिप की जाने जीत गई ये टीम।